Hello to all the learners of Mathetic Mathsadda. I am Vinay Pandey. Uh, in the today's video, we are going to discuss the uh, next topic of trigonometry, class 11th trigonometry. In the previous videos, uh, we have studied about the angle, what is an angle, how can we measure an angle in the three forms. First one is uh, sexagesimal system second one is uh, sexagesimal is also called english system then the next one is centesimal and centesimal system and the third one is circular system the third one is circular system in the sexagesimal form we have studied uh, how to find uh, how to uh, measure an angle in degree form degree conversion uh, in this uh, circular measurement we have learned how can we measure an angle in uh, radian form and in the second lecture we have uh, studied that how can we define a relationship between de degree measurement and radian measurement इसका पूरा प्रूफ मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में बताया था कि आप डिग्री और रेडियन मेजरमेंट में कैसे आप उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटिसबल uh, में ग्रेड्स में होता है बाद में अगर uh, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा मेन जो है वो डिग्री और रेडियन मेजरमेंट ही रहते हैं डिग्री uh, मेजरमेंट में अगर आपको किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है एंड दिस uh, कोई भी सपोज एक रेडियन आपको दिया उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट किया वो सपोज आ रहा है ट्वेंटी फाइव बाई थ्री सपोज सपोज इसको कन्वर्ट करने के बाद इतनी डिग्री आ रहा है तो डिग्री के बाद उससे छोटी एक स्मॉल यूनिट होती है मिनट्स uh, एंड उसके बाद फिर स्मॉल यूनिट होती है उसकी सेकेंड्स तो आपको क्या करना है यू हैव टू डिवाइड कितना मिक्सड फ्रैक्शन में इसको लिखना है एट वन बाई थ्री डिग्री तो जो आपका डिवीजन के बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा उस मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होल एक क्वांटिटी uh, होगी उसको तो आपको अलग कर देना है डिग्री में और वन डिग्री को छोटे छोटे सिक्सटी इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे दैट इज कॉल्ड वन मिनट तो इसको जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है इसको और तो ये हो जाएगा एट डिग्री कैंसिल आउट 20 मिनट्स तो ये आपका रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पाई रेडियन इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अगर डिग्री के बाद और छोटी क्वांटिटी कन्वर्ट करनी तो ट्वेंटी मिनट्स हो गया अगर सपोज ये यहाँ पर भी मिक्सड फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर आप डिवाइड करो उसके बाद जो होल नंबर है उसको अलग कर लिया फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको फिर सिक्सटी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है तो वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें डबल डैश आ जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं आपके बुक्स में उनको आप सॉल्व करें आज का जो हमारा आ, वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सर्कुलर सिस्टम में कुछ जो एंगल्स हैं वो एंगल्स की वैल्यू एक्चुअली कैसे फाइंड की जाती है हालांकि ये सारी चीजें आप क्लास टेंथ में भी देख चुके हैं कि साइन जीरो इज जीरो साइन नाइनटी इज वन कॉस जीरो इज वन कॉस नाइन्टी इज जीरो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज जीरो बट द वैल्यू साइन जीरो इज जीरो बट हाउ कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन जीरो बायजिंग एनी सर्कुलर सिस्टम और एनी सेक्सागिसमल सिस्टम आपका इसमें जो हम इस वीडियो में फोकस हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि जो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो वो जीरो वैल्यू एक्चुअली होती क्यों है क्यों साइन जीरो को जीरो कहा जाता है हालांकि इसको चेक करने की बहुत सारी मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड में आपको बता रहा हूं अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया दिस इज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमारा रोटेशन इस पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने पे ये जो पॉइंट है क्योंकि ये डिस्टेंस वन है तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वन कोमा जीरो फिर बी ए डैश बी डैश क्लियर अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये डिस्टेंस वन तो ये क्या हो जाएगा जीरो कोमा वन तो ऐसे ही आप ये जितने टर्मिनल पॉइंट्स हैं ए डैश एंड बी डैश इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट ए वट इज द एंगल ऑफ दिस पॉइंट ए विद द एक्स एक्सेस अगर आपको इस ओ ए लाइन का एंगल निकालना है एक्स एक्सेस से तो कितना होगा जीरो डिग्री ऑब्वियसली तो यहां पे ये सपोज एक लाइन है वो लाइन ऐसे करके मूव कर रही है एक पॉइंट मैंने यहां पे पी कंसिडर कर लिया ए कॉमा बी यह एंगल सपोज मैंने मान लिया थीटा और इस P पॉइंट से मैंने यहां परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ किया L PL इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं हम ये देखने जा रहे हैं कि जो साइन जीरो होता है वो जीरो क्यों होता है साइन नाइनटी वन क्यों होता है वो हम इस सर्कुलर सिस्टम से देखेंगे कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं आ, इस ए पॉइंट पे थीटा जब ये थीटा यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा इस पॉइंट से तो ऐसे करके घूमेगा इनिशियली थीटा कितना रहा होगा जीरो यहां पे थीटा जीरो ए पॉइंट पे थीटा मूव करते हुए बी पॉइंट पे आया तो यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया था हमने आपको बताया था ये पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा चाहे तो आप इसके पिछला वीडियो दोबारा से देख सकते हैं कि हमने रेडियन में कैसे उसको कन्वर्ट किया था फिर ए डैश पे ये वन डिग्री होता है तो वन डिग्री का मतलब पाई रेडियन हो गया और यहां पर थीटा कितना हो जाएगा थ्री पाई बाय टू टू होता है अब एक चीज मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो थीटा है ये थीटा यहाँ पे तो 90 था ये 90 तब है जब हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं अगर हम इधर ये 270 डिग्री यहाँ से हमने इसको 270 डिग्री बोला था या थ्री पाई बाई टू बोला था अगर मैं डायरेक्टली इधर से आऊँ तो ये कितना हो जाएगा जैसे ये पॉइंट है दिस एंगल इज़ 270 डिग्री इफ यू मूव अलॉन्ग द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तब उस केस में यह एंगल कितना है टू सेवेंटी डिग्री लेकिन अगर इसी एंगल को मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाऊं यहां से मेजर करूँ तो ये नाइन्टी डिग्री होगा लेकिन बिकॉज द डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज निगेटिव तो ये निगेटिव का नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो ओ एल डिस्टेंस है ये ओ एल डिस्टेंस क्या होगी ये वही डिस्टेंस होगी जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगी A क्योंकि x इसमें इस, इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में x कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है? A और यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B क्योंकि इसके हाइट कितनी है इस पॉइंट की B। सो ओ एल इज इक्वल टू ए एंड पी एल इज इक्वल टू b एक तो ये क्लियर है अब अगर हम बात करें साइन थीटा साइन थीटा अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हैपिड न्यूज ये ओपी क्या है रेडियस और रेडियस कितनी लिए हमने यूनिटी रेडियस है वन तो साइन थीटा पी एल अपॉन ओपी पी एल एस बी एंड हैपिड न्यूज इज वन सो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया बी अगेन वी टॉक अबाउट कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस्थीटा इज बेस अपॉन हाइपिडन्यूज बेस ओएल हाइपिडन्यूज इज ओ पी इट इज ए अपॉन वन सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए तो यानी कि इस पी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हम ले रहे थे एक ओवर बी और इस ए कॉवर बी को हमने ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है कॉस थीटा एंड बी कितना आ रहा है साइन थीटा इसका मतलब क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट इन दिस सर्कुलर बाउंड्री इज डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ कोसाइन एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन द साइन साइन एंगल तो कहने का मतलब यह है कि जितना हम इसमें मूव करेंगे उतना मूव करने में एक्स की वैल्यू कॉस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगी और वाई की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगी ये हमने साफ साफ यहाँ पर देख लिया कि ए इक्वल टू थीटा और बी जो है वो साइन थीटा आ रहा है अब हम बात करते हैं अब यहां से आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है एट पॉइंट ए अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे इनिशियली पॉइंट यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ ऐसे घूमा ए पॉइंट पे थीटा कितना है जीरो और कोऑर्डिनेट्स क्या है ए पॉइंट के तो वन और मैंने आपको बताया कि एक्स कॉर्डिनेट जो था वो एक्स कॉर्डिनेट क्या बन रहा है कॉस थीटा कॉस थीटा था एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट क्या बन रहा था साइन थीटा यानी कि इसका एक्स कॉर्डिनेट किसके इक्वल होगा कॉस थीटा थीटा यहां पे क्या है ए पॉइंट पे थीटा कितना है जीरो तो कॉस जीरो और वाई कॉर्डिनेट क्या था साइन थीटा थीटा कितना है यहां पर जीरो तो क्लियर हो गया कॉस जीरो इज वन एंड साइन जीरो इज जीरो हालांकि ये आप पहले भी अलग अलग तरीके से क्लास टेंथ में भी देख चुके होंगे कि साइन जीरो जीरो क्यों होता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ें पहले भी देखी होंगी लेकिन हम इसको सर्कुलर सिस्टम से चेक कर रहे हैं आज ये तो जीरो एंगल की बात आ गई अब मुझे टैन जीरो निकालना है तो टैन जीरो क्या होता है टैन जीरो हो जाएगा साइन क्योंकि टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन थीटा साइन जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो कॉट थीटा क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा तो साइन और कॉस अगर आपको पता लग गया एक भी रेशियो पता लग गया तो उससे सारे एंगल आप निकाल सकते हो अब आते हैं एट पॉइंट बी इस पॉइंट बी पे थीटा कितना है नाइनटी का मतलब पाई बाई अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने जीरो इसका x कोऑर्डिनेट क्या था कॉस के इक्वल और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था साइन के इक्वल वो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट कॉस से रिलेट कर रहा था और ये साइन से और थीटा यहां पे b पॉइंट पे कितना है? पाए बाई टू तो यहां भी पाए बाय टू और यहां भी पाए बाय टू इट मींस कॉस पाए बाय टू कितना हो गया जीरो एंड साइन पाए बाय टू कितना हो गया वन क्लियर अब साइन नाइनटी वन कॉस नाइनटी जीरो नाइनटी निकालना है तो साइन अपॉन कॉस से आप निकाल सकते हैं कोसेक निकालना तो वन अपॉन साइन से निकाल सकते हैं सेक निकालना तो वन अपॉन कॉस से निकाल सकते हैं आते हैं पॉइंट ए डैश पे पॉइंट ए डैश पे थीटा कितना है पाई तो और इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे कितने हो जाएंगे माइनस वन कॉमा जीरो और यहां पे जीरो कॉमा माइनस वन तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट कॉस के इक्वल वाई कोऑर्डिनेट साइन के इक्वल थीटा कितना है यहां पे पाए इसका मतलब कॉस वन डिग्री माइनस वन साइन वन एट्टी डिग्री जीरो आपने क्लास टेंथ में नहीं देखा होगा वन एट्टी डिग्री वाला तो ये भी आपको याद नहीं है तो आप सर्कुलर सिस्टम से आराम से निकाल सकते हैं आप अगर टेन वन एट्टी डिग्री निकालना तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं पॉइंट बी डैश b डैश की बात करें तो थीटा यहां पे क्या है थ्री पाई बाई टू या फिर आप कह सकते हो ये तो एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज में क्या बन जाएगा माइनस नाइन्टी तो कॉर्डिनेट्स क्या है इसके एक्स कॉर्डिनेट जीरो कॉस और वाई कॉर्डिनेट माइनस वन साइन तो कॉस डिग्री में क्या है टू सेवेंटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री की वैल्यू जीरो साइन टू सेवेंटी डिग्री की वैल्यू माइनस वन ये वैल्यू भी आपको पता लग गई टैन कॉट कोशेक सब निकाल सकते हैं अब देखिए जैसे ही हम एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करते ही अब ये थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं और टू पाई रेडियन एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको पता लग रही है कि जैसे ही हम थीटा 360 सिक्सटी पर पहुंच रहे हैं तो हम फिर से जीरो पे पहुँच जा रहे हैं तो इसका मतलब कॉस्ट थ्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी और कॉस्ट जीरो कितना था वन साइन थ्री सिक्सटी की वैल्यू या साइन टू पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन जीरो की वैल्यू होगी वो कितनी थी जीरो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये पता लगा आपको यहाँ पे क्योंकि तो दोबारा से हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं फिर 360 में 90 और ऐड करोगे तो फिर आप दोबारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गए दूसरे राउंड का मतलब अब ये एंगल कितना हो जाएगा फोर फिफ्टी डिग्री यानी कि साइन 450 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू होती है कॉस 450 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस 90 की वैल्यू होती है फिर आगे बढ़ोगे आप फिर 90 ओवर ऐड करो तो ये एडिशन करके जो आपकी वैल्यूज हैं बार बार रिपीट होते रहती हैं तो साइन और कॉस में क्योंकि ये वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है तो इसीलिए इनको जो है दोनों फंक्शंस को रिपीटिंग फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन भी ही बोला जाता है साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन को बिकॉज द वैल्यूज आर रिपीटिंग इन द रेगुलर इंटरवल जब बार बार आप राउंड्स लगाते जाएंगे तो आपकी जो वैल्यूज है बार बार साइन कॉस की वैल्यूज रिपीट होते रहेंगी तो एक चीज आपको ये यहां पे पता लग रही है अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 720 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आप सोचिए 720 का मतलब एक बार 360 तो 360 का मतलब फिर से जीरो फिर दोबारा से राउंड लगाओगे तो थ्री का ट्वाइस कितना होगा सेवन फिर से यहां पर आवे तो इसका मतलब साइन सेवन ट्वेंटी किसके इक्वल हो जाएगा साइन जीरो और साइन जीरो कितना होता है जीरो तो बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं इसके हेल्प से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था आज का इसको ध्यान से समझें आप सोचें और वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें बड़ी से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे कि जो बाकी सारे एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं दूसरा इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं उसको भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे हम आने वाले वीडियोस में और देखेंगे कि फर्स्ट क्वाररिंग जो है उसमें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं और क्यों होते हैं सेकंड में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और क्यों ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे तो इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और एक पॉइंट मैं करेक्ट कर दूंगा जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था वो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताया था उसमें फ्लो में मैंने उसको हेक्सागेसिमल सिस्टम लिख दिया था बूट पे तो उसको आप करेक्ट कर लें हालांकि मैंने वो डिस्क्रिप्शन में नोट में भी लिखा हुआ है वो हेक्सागेसिमल ना होकर के सेक्सागेसिमल सिस्टम होता है